अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन की बिरयानी बना रहे हैं, ईद स्पेशल। हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसको धोकर अच्छे से रखा है। 1 किलो चावल लिया है, बासमती चावल है ये, हमने धोकर इसको भिगाकर रखा है आधे घंटे पहले से। 4 कांदे को हमने विदिस्ता बना के लिया है, 5 बटाटे को इस तरीके से काट के लिया है, हमने 1.5 किलो दही लिया है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, हल्दी 1 टीस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून कुटा भुना जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने मिर्ची का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून हमने अदरक, हमने खड़े मसाला लिया है, 4 से 5 हमने तेज पत्ते लिए है, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है, 2 चक्री फूल लिया है, 4 से 5 हमने हरी इलायची लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है, और 4 से 5 हमने लौंग लिया है, और 10 से 12 हमने काली मिरी लिया है, और 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला लिया है, कोथमीर और पुदीना हमने लिया है, और हमने इसमें और फ्लेवर डालने के लिए हमने शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला लिया है। इससे बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे तो टेस्ट से बहुत भरपूर हो जाती है ये बिरयानी, बहुत टेस्टी लगती है। अब हम बनाने का तरीका, 2 लीटर पानी लिया है चावल को उबालने के लिए, अब हमने गरम करने रख दिया है, अब स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे इसके अंदर और तेज पत्ता डाल देंगे, खड़े गरम मसाले भी डाल देंगे इसके अंदर। हमने 4 से 5 हमने इसके अंदर तेज पत्ता डाला है, 2 हरी इलायची डाल देंगे और 1 चक्री फूल डाल देंगे और लौंग डाल देंगे 4 से 5 और ब्लैक काली मिरी डाल देंगे। दालचीनी का टुकड़ा एक डाल देंगे और इसको अच्छे से उबाल कर लेंगे। थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे और इसको उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे अच्छे से ढककर। अब हम चेक करेंगे पानी को उबाल आया क्या। माशाल्लाह अच्छे से पानी को उबाल आ रहा है। अब हम इसमें चावल जो है आपको बताए थे 1 किलो वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से उबलने देंगे और हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे इसको, सिर्फ 80% ही कुक करेंगे। अब इसको हम दम पर पकाएंगे। अब हमारा चावल हम चेक करेंगे, चावल अच्छे से 80% कुक हो गया है, अभी दम में अपना चावल बन जाएगा। अब हम इसको छान देंगे। चावल को छान दिया है, माशाल्लाह इतने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। अब हमने ये 1 कटोरी तेल ले लिया है, हमने बिरिस्ते का तेल लिया है ये। अब हमने जो खड़े मसाले आपको दिखाए थे वो डाल दिए। अब अच्छी तरीके से गरम मसाला तड़क गया है, अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें चिली पेस्ट डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरीके से भूनने देंगे। अब मसाला अच्छे से भून रहा है, अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे। हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और चाट मसाला डाल देंगे इसके अंदर, हल्दी पाउडर धनिया पाउडर डाल देंगे और मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे। हमने तेल थोड़ा ज्यादा लिया है क्योंकि बिरयानी में तेल रहेगा तो बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है, सूखी सूखी बिरयानी अच्छी नहीं लगती। अब मसाला अच्छे से भून रहा है, हमारे पाउडर मसाले अच्छे से भून रहे हैं। अब हम इसमें 4 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से भून के स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आपके टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। अब मसाला अच्छे से भून रहा है, अब हम इसको ढककर 10 मिनट भून कर लेंगे। अब 10 मिनट हो गया है, अब हम इसमें दही है 1.5 किलो आपको बताए थे वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। मसाले को 10 मिनट हो गया है भूनते हुए, चिकन डाल देंगे और चिकन को भी अच्छे से इसके अंदर मसाले में भून लेंगे। अब मसाला अच्छे से भून रहा है, अब हमने जो कांदा लिए थे 4 कांदे को हमने काट कर उसको फ्राई करके लिए थे, इसको इस तरीके से हमने तोड़कर अब हम इसमें डाल देंगे बिरिस्ता। अब इसमें बिरिस्ता हमने डाल दिए, अब हम ढककर 2 मिनट, अब 2 मिनट हो गया है, माशाल्लाह अच्छे से मसाला भून गया है। अब हम गरम मसाला जो है वो डाल देंगे।
अब ये जो आलू है हमने फ्राई करके लिए है मगर थोड़े कच्चे है, इसमें डाल देंगे और 2 मिनट इसको पकाएंगे ढककर, तो आलू भी पक जाएंगे अच्छे से। अब आलू डाल दिए इसके अंदर, अब हम शान का मसाला जो आपको बताए थे वो मसाला हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर। अब हम इसको ढक कर 2 मिनट, अब 2 मिनट हो गया है, हम चेक करते हैं मसाले को। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। अभी हम ये आधे नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में से बिरयानी के, आप भी ये ईद में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसी बनी आपकी बिरयानी। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे। अब हमारा मसाला बनकर रेडी है, अब हम बिरयानी को थर लगाएंगे। सबसे पहले ये जो गरम मसाले है, खड़े गरम मसाले जो है ये सबसे पहले हम निकाल देंगे इसके अंदर से, क्योंकि मेरे बच्चे के मुंह में आता तो मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है खड़े गरम मसाले, इसके लिए मैं ये पूरे खड़े मसाले निकाल दूं। अब हमने इसमें चावल डाल दिए हैं, अब थोड़ा सा बिरिस्ता इसमें डाल देंगे हम और थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे और कोथमीर भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब हमने चावल अच्छे से फैला दिया है, अब हम जो हमारा मसाला है, मसाला अभी इसमें डाल देंगे हम, हर जगह पर अच्छे से मसाला स्प्रेड करेंगे हम। अब मसाले को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिए हमने, अब थोड़ा सा कोथमीर और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे इसके अंदर। अब हमने अच्छे से मसाला स्प्रेड कर दिए है, अब इसके अंदर हम ये जो चावल बचे हुए हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। मैंने नीचे थोड़ा चावल रखी थी, कम चावल नीचे रखी थी, अब ये ऊपर थोड़ा ज्यादा चावल रखूं। अब अच्छे से मैंने बिरयानी को थर लगा दी हूं, अब इसके ऊपर हम ये बची हुई कोथमीर, बचे हुए पुदीना और ये जो बिरिस्ता है वो भी हम डाल देंगे इसके अंदर। ये फूड कलर है, हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको बनाया है इस तरीके से और ये रेड फूड कलर है। अब हमारी बिरयानी को थर लग गया है, अब हमने इसको दम पर दे दिया है, 15 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे। 15 मिनट हो गया है, अब हम चेक करते हैं कि हमारी बिरयानी बनी कि नहीं। अब माशाल्लाह अच्छे से ऊब आ गई है, अब हमारी बिरयानी बनकर रेडी है, अब हम डिश आउट करके आपको बताते हैं। चिकन बिरयानी बनकर रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।